जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वालों पर एक्शन, अधिकारियों और कर्मचारियों पर चला सीएम का सख्त आदेश है। अवैध तरीके से जमीन हड़पने वाले मामले पर कार्रवाई, जमीन हड़पने के मामले में 5 अधिकारी कर्मचारी निलंबित हैं। विभागीय कार्रवाई, एक के साथ FIR दर्ज कराने के निर्देश, आय से अधिक संपत्ति की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, विभागीय कार्रवाई के साथ FIR दर्ज। सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वालों पर एक्शन, अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में कार्रवाई। जमीन हड़पने वाले मामले में बताया जा रहा है कि 5 अधिकारियों पर गाज गिरी है। विभागीय कार्रवाई के साथ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई, अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में कार्रवाई। जमीन हड़पने मामले में 5 अधिकारी कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। विभागीय कार्रवाई के साथ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी निकिता सरीन लखनऊ से जुड़ रही। निकिता, अधिकारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, सबसे पहले ये बताएं कि पूरा ये मामला है क्या, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, नीति है, उसको अपनाते आए हैं, इसी कड़ी में भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं और साथ ही कर्मचारी पर इस बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चाबुक है वो चला है। बात की जाए फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील में अवैध तरीके से जिस तरीके से जमीन हड़पने का जो मामला सामने आया है, उस मामले में 5 अधिकारी और साथ ही साथ जो कर्मचारी है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और रेंजर के खिलाफ जो कड़ा एक्शन है वो लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से शासन की ओर से विभागीय कार्रवाई के साथ साथ सभी के खिलाफ FIR कराने का भी जो निर्देश है वो दे दिया गया है और प्रदेश में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसकी ओर से सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के भी निर्देश अब जारी हो गए हैं। तो योगी सरकार में खास बात है कि जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो हमेशा से अपनाते आए हैं और इसी कड़ी में जो एक्शन है, जो उनका चाबुक है वो चलता आ रहा है और सरकार हमेशा से यही कहती आई है कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शेगी नहीं। अच्छा निकिता, ये एक बात ये भी आपसे समझना चाहता हूँ कि जो जमीन का मामला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जबरन उस पर कब्जा कर रखा है और उनका सहयोग न हो तो कहां जाए, किससे शिकायत करें? देखिए, ऐसे लगातार केस सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से योगी सरकार में ये साफ बात है कि हमेशा लोगों को इंसाफ ही मिलता आया है, कई अधिकारी को ऐसे सूचना करने पर एक्शन जरूर होता है। यही एक वजह है कि देखिए इस बार भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग करने वाले जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चाबुक है वो चला है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि
अगर किसी की जमीन हड़पने का मामला आता है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनकी शिकायत सुनते हैं, क्योंकि जब जनता दरबार लगता है तो तमाम ऐसे केसेस आते हैं। और यही एक वजह है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हमेशा से योगी सरकार काम करती आई है और इसका जो नतीजा है सामने है, क्योंकि यहाँ पर निलंबन के भी आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। निकिता, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि 1090 भी एक नंबर है, कुछ लोग शिकायत उस पर करा देते हैं कि निस्तारण की बात आती, क्या उस पर शिकायत कराने पर कार्रवाई होती है? बिल्कुल, ये सारी जो चीजें हैं उसी के लिए बनाई गई है। और आपको बता दें, कभी कभी ऐसे अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं जो कॉल्स नहीं उठाते हैं, उनके कर्मचारी काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर बात मुख्यमंत्री की जाए तो उनके जो श्रेय में जो काम है जरूर होते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसे कई ऑफिसर्स होते हैं जो डिलाई करते हैं। और जो भी डिलाई करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ सरकार में सभी की, तो फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर एक्शन जरूर लेते हैं और उन अधिकारी जो ये काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर होता है, जब पुख्ता सबूत आते हैं तथ्यों के साथ, जब पूरी बात उन्हें पता चलती है। बिल्कुल निकिता, अगर बात करें तो कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कि ढुलमुल रवैया लेकर अपनाए रहते हैं, और उन पर अगर उनकी शिकायत करनी हो, क्योंकि क्या होता है कि छोटे जो लोग कर्मचारी होते हैं वो कहेंगे ऊपर वाले से बात कर लो, ऊपर वाले कहेंगे ठीक है मैंने बोल दिया है। इन सब प्रोसेस में, इन सब प्रोटोकॉल में जो मेन असल बात है ना, वो जनता की बात वो दबके रह जाती है। आम आदमी गरीब परेशान रहता है, थानों को चक्कर लगाता रहता है, उसकी समस्या समाधान ही नहीं होते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते लंबा वक्त बीत जाता। तो ऐसा कोई प्रावधान भी है कि जल्दी सुनवाई हो? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से अब एक रिपोर्ट कार्ड वाला जो प्रोसीजर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर रखा है कि जितने भी मंत्री हैं वो कुछ कुछ महीने बाद अपना रिपोर्ट कार्ड यानी कि फीडबैक देंगे। इसी के चलते जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात है, कई कई बार जो डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं वो खुद भी अचानक से निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं डिपार्टमेंट में, तो जितनी भी कमी पेशी पाई जाती है उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। और रही बात मुख्यमंत्री की, योगी सरकार की, तो वहां ठीक है, जीरो टॉलरेंस। निकिता, एक छोटा सा सवाल और आपसे, फिर इसके बाद, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को तथा कथित नेता बता देते हैं कि ठीक है अधिकारियों की बात तो है, तो अपने आप को बताएंगे हम नेता हैं, हम ये हैं, ऐसा करके वो लोगों की जमीन को एक्वायर कर लेते हैं, दबा लेते हैं, हथिया लेते हैं, लेकिन जब वो कहने उन पर कार्रवाई नहीं होती, ऐसे लोगों को शिकायत अगर करना हो तो कहां जाए आम जनता, क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, इसके लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी सरकार हर हफ्ते जनता दरबार लगाते हैं, चाहे अगर उनकी मौजूदगी उस वक्त लखनऊ में नहीं है तो जहां पर भी रहते हैं उनका जनता दरबार यही लगता है, और उसी में जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं लोगों की, हमेशा से सुनते आए हैं। और उसमें मोस्टली आप कह सकते हैं कि सीएमओ में इनफैक्ट नंबर दिए गए हैं कि वहां पर इनफैक्ट हम अपने जो परेशानियां हैं दिक्कतें हैं वो वहां दर्ज करा सकते हैं, और बतौर एक इंसान यहाँ पर कई इंसान वहां पर लोग तैनात कर दिए गए हैं जो बतौर उनकी शिकायतों को लेकर के बिल्कुल फीडबैक, बिल्कुल निकिता, चाहे वो ठीक है, चाहे वो तथाकथित नेता अपने आप को खुद को स्वघोषित बताए, चाहे अधिकारी हो, अगर वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निकिता, तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते खबरों में आगे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा ऐलान।